जैसे कृष्ण ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे 25 सितंबर 2024 बुधवार के संपूर्ण विशद पंचांग की। अतः वीडियो के अंत तक बने रहें और पंचांग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आइए अब शुरू करते हैं आज का पंचांग। इससे पहले आज आप सभी को शुभ दिन की मंगल में शुभकामनाएं। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी आठम बार बुधवार तारीख 25 सितंबर 2024 से अब अष्टमी तिथि दोपहर में 12:11 तक अष्टमी की तिथि रहेगी, फिर उसके बाद में नवमी की घड़ियां लगेगी। अब चंद्रमा आज पूरे दिन रात मिथुन का चंद्रमा रहेगा। अब नक्षत्र रात्रि में 10:24 तक आरद्रा नक्षत्र रहेगा, फिर उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र लगेगा। अब योग रात्रि में 12:16 तक वरियान योग रहेगा, फिर उसके बाद में परिधि योग लगेगा। अब कर्ण दोपहर में 12:13 तक कोल्लव कर्ण रहेगा, फिर उसके बाद में तेतिल कर्ण लगेगा। अब बंगला तारीख आज बंगला आश्विन मास की 10 तारीख है। अब अग्निवास आज अग्निवास पृथ्वी पर होने से हवन के लिए शुभ रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष आज दोपहर बाद में अपराह्न में नवमी तिथि होने से आज नवमी का श्राद्ध होगा। अब नामाक्षर राशि आज जन्मे बच्चों के नामाक्षर होंगे क का की कु व राशि होगी मिथुन राशि। अब नक्षत्र पाया आज जन्मे बच्चों के नक्षत्र का पाया होगा चांदी का पाया। अब बात करते हैं आश्विन मास की। आज आश्विन मास का 8वां दिन है। आज सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध रहेगा, पितरों का तर्पण कर पंच बलि दे व गायों को घास व कबूतरों को दाना दे। अब ऋतु कौन सी है, अभी शरद ऋतु है और सूर्य दक्षिणायन है। अब आज का त्योहार आज नवमी का श्राद्ध है व सौभाग्यवती श्राद्ध है व श्री महालक्ष्मी व्रत भी आज है। अब कल का त्योहार कल दशमी का श्राद्ध रहेगा। अब सूर्योदय व सूर्यास्त आज सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर व सूर्यास्त होगा शाम को 6:27 पर। अब चंद्रोदय आज चंद्र उदय होगा रात्रि में 12:01 पर व चंद्र अस्त होगा कल सुबह 6:31 पर। अब आज का ग्रह गोचर, आज के ग्रह गोचर में सूर्य कन्या राशि में, चंद्र मिथुन में, मंगल मिथुन में, बुध कन्या में, गुरु वृषभ में, शुक्र तुला में, शनि कुंभ में, राहु मीन में व केतु कन्या राशि में स्थित है। अब आज का चौगड़िया है सुबह 6:31 से 9:30 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा, फिर दिन को 11 से लगाकर और दोपहर में 12:29 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, फिर दोपहर में 3:28 से शाम को 4:58 तक चल का चौगड़िया रहेगा, फिर शाम को 4:58 से और 6:27 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। अब राहुकाल आज राहुकाल है दोपहर में 12:12 से 1:42 तक राहुकाल रहेगा, राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। अब दिशासुल आज उत्तर दिशा में दिशासुल होने से उत्तर दिशा की यात्रा को टालें, अगर आवश्यक हो तो भगवान को पुष्प चढ़ाकर फिर यात्रा करें, परंतु पश्चिम दिशा में सन्मुख चंद्रमा होने से पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा। तो दोस्तों यह था आज का विशेष संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए आप जुड़े रहें आपके अपने ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल से। जय श्री कृष्ण।